नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। और आज के शो में हम बात करेंगे सोने पर, वो भी हर पर्सपेक्टिव से, फिर चाहे वो ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर डिमांड हो या फिर सरकार की पॉलिसीज ही क्यों ना हो। और हाल ही की डेवलपमेंट की बात करें तो आरबीआई ने ज्वेलर्स को बड़ी राहत दी है और सेंट्रल बैंक ने ओटीसी रूट के जरिए आईएफएससी से हेजिंग को अप्रूवल दे दिया है। उधर अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में मजबूती देखने को मिली है और अमेरिका में मार्च में दरें ना घटने की उम्मीद से सोने पर दबाव बना हुआ है। देश में शादियों का सीजन भी चल रहा है तो मौजूदा हालात को देखते हुए कैसी है सोने की मांग, क्या है ट्रेंड्स और कहां तक गिर सकते हैं दाम, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चौलास हेरिटेज ज्वेलरी के फाउंडर चौला पटेल, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, वमन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे और साथ ही बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो सरकार जो कल आरबीआई ने डिसीजन लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, यानी रेजिडेंट एंटिटीज अब गोल्ड प्राइस को हेज कर सकती है इन आईएफएससी ओटीसी सेगमेंट। शुरुआत इसी टॉपिक के साथ करेंगे और संयम सबसे पहले आपके व्यूज लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप आरबीआई के इस कदम को, क्या फायदा पहुंचेगा और स्पेशली पार्टिसिपेशन कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि जितने भी आईएफएससी के गिफ्ट सिटी के मेंबर्स हैं वो अभी हेजिंग कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू कॉमेक्स रूट। गिफ्ट सिटी के अंदर जो भी इंपोर्ट होता है या वहां से एक्सपोर्ट होता है उसको हेज कर पाएंगे फॉरेन मार्केट्स में। रुपी का जो पहले आता था डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या डोमेस्टिक एक्सचेंज के अंदर, जो रुपी की वजह ट्रेडिंग करनी पड़ती थी एमसीएक्स में या बीएससी में, एनएससी में, जो भी गोल्ड के कमोडिटी के मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें, अभी वो छोड़ के हम कॉमेक्स के अंदर, फॉरेन मार्केट्स के अंदर उसको हेज कर पाएंगे। रुपी का फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जो इंपोर्टर्स को है। जो स्टॉक है आप हमारा गिफ्ट सिटी के अंदर रेजिडेंस का उसको हेज कर पाएंगे, जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट को जो वहां है वहां से भी हेज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और एक हेजिंग करने से एक बराबर रिलीफ वहां के जो मेंबर्स हैं आईएफएससी के रेजिडेंट मेंबर्स उनको मिल जाती है। आशीष जी, आपकी राय इस पर क्या रहेगी? इनफैक्ट जैसे संयम ने भी मेंशन किया, लिक्विडिटी तो एनहांस होगी ही, एक्टिव रिटेल पार्टिसिपेशन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगा, लेकिन अगर हम एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी की बात करें या क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, इन पर्सपेक्टिव से आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप सभी को नमस्ते। इसमें हमें यह देखना चाहिए कि दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी आईएफएससी पे हेजिंग के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस आया है उसके हिसाब से ओटीसी मतलब बैंक्स के थ्रू भी इंडियन रेसिडेंट एंटिटीज हेजिंग कर सकती है। तो इससे एक एडिशनल एवेन्यू हेजिंग के लिए ज्वेलर्स को अवेलेबल होगा। आज डोमेस्टिक एक्सचेंजेस पे आप हेज कर सकते हो या आईएफएक्स मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आप हेज कर सकते हो, और बैंक के थ्रू और ऐसी बैंक्स जो आईएफएससी में अंदर सेटअप की गई है उनके थ्रू आप इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस हेज कर सकते हो। तो हर एक ज्वेलर का अपना अपना रिक्वायरमेंट रहता है, किसी का एक्सपोर्ट रहता है, किसी का सिर्फ गोल्ड इम्पोर्ट वहाँ से होता है, तो अपने डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ज्वेलर ये तीनों मैकेनिज्म्स को यूज करके अपना हेजिंग परफेक्ट कर सकता है। अच्छा, क्विकली एक सवाल और इसी टॉपिक से रिलेटेड संयम आपसे लेना चाहूंगी, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों को ही अगर हम कंसिडर करें तो इस मूव का कहां ज्यादा आप इंपैक्ट देखते हैं? जो इंपोर्ट्स है ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट सिटी के अंदर लोगों का टारगेट यही है कि इंपोर्ट किया जाए बुलियन, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स के अंदर जो सप्लायर्स हैं वहां से आप गोल्ड या सिल्वर ला के यहाँ से इंपोर्ट करवा जा सकता है, तो इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा और उसकी हेजिंग जितने भी इंपोर्टर्स हैं उससे ज्यादा वो फायदा ले सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तो बात हुई आरबीआई के उस डिसीजन के जिसके फायदे ही आते हुए दिखाई देंगे, फिर चाहे वो एक्टिव रिटेल पार्टिसिपेशन हो, लिक्विडिटी का एनहांसमेंट हो या फिर प्राइस डिस्कवरी में ही एफिशिएंट वे में एक रास्ता खुलता ही क्यों ना दिखाई दे। लेकिन हम बात करते हैं प्राइसिंग की भी और साथ ही साथ डिमांड की भी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब गोल्ड की बात होती है तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है, बहुत से लोग ज्वेलरी के तौर पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ और जरिए भी अपनाते हैं और इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो फोर्थ ट्रांच है वो भी 12 फरवरी से खुल रहा है, तो इन सब पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। लेकिन पहले एक राय ले लेते हैं किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जैन साहब नमस्कार, तो वेडिंग सीजन तो ऑन है और प्राइसेस ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होकर अब थोड़ा ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की डिमांड फिलहाल दिखी है?
बहुत अच्छी डिमांड है इस समय, रिसाइकल गोल्ड चल रहा है, करीबन 1,080 टन रिसाइकल गोल्ड टोटल आ चुका है। और जैसे आरबीआई ने भी छठी बार बदलाव नहीं किया है, और उससे ईएमआई लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी महंगी नहीं होगी, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पब्लिक के लिए है। एक अच्छा सा मौका मिला है लोगों को खरीदारी का, और लोग भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। इस समय आप रिटेल शोरूम में देखेंगे भीड़ भाड़ लगी हुई है, कारण मुख्यतः शादियों की सीजन है, तो जो बल्क छोटी ज्वेलरी वाले स्मॉल स्केल जो छोटी ज्वेलरी है वो भी तो इक्वली आ रहे हैं। बड़ी ज्वेलरी वाले सोना 100 ग्राम 200 ग्राम में ले रहे हैं, छोटी ज्वेलरी वाले 25-50 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी उनकी ज्यादा है, क्योंकि 50 अभी तक मिड जून तक शादियां हैं और फुल ग्राहकी रहेगी, भरपूर काम चलेगा, और इस समय सब शोरूमों में भीड़ लगी हुई है। चौला, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, आप प्रीमियम ज्वेलरी में डील करती हैं, किस तरीके के डिमांड ट्रेंड, क्या कुछ चेंज हुए हैं प्राइसिंग की वजह से, क्योंकि प्राइसेस ऊपरी स्तरों से एक लगातार सर्ज होने के बाद थोड़ा हल्का हुए हैं, आगे के लिए बुकिंग्स आ रही हैं या फिर किस तरीके के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? ये बेसिकली सवाल इसलिए ताकि ये समझ में आ सके कि कंज्यूमर का भी माइंडसेट क्या है, क्या वो एंटिसिपेट कर रहे हैं भाव थोड़ा और नीचे आएंगे तब हम वापस से खरीदारी करें, या इन लेवल्स पर भी बाइंग हो रही है? दीपाली, गोल्ड प्राइसेस अभी स्टेबल है और प्राइस फ्लक्चुएशन जो है थोड़ी बहुत आ रही है, पर उससे बायर्स का बाइंग जो है वो बहुत ही इंटैक्ट है और बायर्स स्टेबल माइंडसेट से बाइंग कर रहे हैं। लग्जरी बाइंग भी अभी जो हो रही है ज्वेलरी में वो अच्छी तरीके से हो रही है, और गोल्ड की डिमांड इस सीजन में बहुत ज़्यादा रही है, एक्सपेक्टेड जो लिमिट्स है उससे भी ज्यादा गोल्ड की बाइंग और गोल्ड ज्वेलरी की बाइंग हो रही है। और ट्रेंड्स की बात करें तो अभी रियल स्टोन ज्वेलरी गोल्ड के साथ और पोलकी के साथ भी लोग बेहतरीन तरीके से पसंद कर रहे हैं और उसे बाय भी कर रहे हैं। इस बार अपने शादियां भी 35 लाख वेडिंग्स हुए हैं, और मोदी साहब की कैंपेन जो थी लक्षद्वीप उनके जाने के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी बहुत हुए, तो उसमें जो हैवी ज्वेलरी की बाइंग है वो भी बहुत हुई। तो मैं समझती हूँ कि गोल्ड प्राइसेस की वजह से कहीं भी बायर्स का जो सेंटिमेंट है उसमें रुकावट नहीं आ रही है, बायर्स ऐसे सोच नहीं रहे हैं कि हम बाइंग कम करें। मुझे लग रहा है कि बायर्स का सेंटिमेंट ओपन हो गया है, गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह वो देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर अभी बाइंग करते हैं तो गोल्ड प्राइसेस 2024 में 70,000 तक हिट करने का जो अनुमान है उसी की वजह से भी उनको लग रहा है कि अभी बाइंग कर लेते हैं तो ऑनगोइंग वेडिंग सीजन में वो उनके काम ही आएगा। तो मुझे कहीं भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कहीं भी बाइंग सेंटिमेंट में जो है वो रुकावट नहीं आ रही है, और बायर्स बहुत बाइंग कर रहे हैं, और ये बाइंग चलेगी। जून जुलाई तक वेडिंग्स इस साल है, और उसके बाद भी 2024 का जो बाइंग सेंटिमेंट है वो इंटैक्ट और स्टेबल है। ओके आशीष जी, जैसे कुमार जैन साहब ने भी मेंशन किया कि रीसाइकल गोल्ड काफी आ रहा है, आपने किस तरीके के ट्रेंड्स देखे, और अगर हम फ्रेश बाइंग वर्सेस रीसाइकल गोल्ड की बात करें तो क्या रेशियो फिलहाल दिखाई दे रहा है? जैसे हम मैंने पहले भी कहा है कि रिसाइकल गोल्ड का परसेंटेज 30% to 40% के बीच में नॉर्मली रहता है, जब प्राइसेस नीचे आ जाती है तो रिसाइकल गोल्ड कम आता है, लेकिन एज प्राइसेस बढ़ जाती है तो रिसाइकल गोल्ड ज़्यादा लोग देते हैं और नया ज्वेलरी बनाते हैं। लेकिन इस बार 60,000 के ऊपर सोने का भाव रहने के बावजूद ये परसेंटेज मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइक होते हुए नहीं देखा है, वो अभी भी 35% के रेंज में है, और लोगों को ऐसा लगता है कि अभी 60-62,000 के बीच में रेट्स है, ये नया बॉटम हुआ है, ऐसा जो एंड कंज्यूमर्स है उनके माइंड में भी आ गया है, क्योंकि जब कभी भी आपने 40,000 का प्राइस देखा तो 30,000 बाद में दिखा नहीं है, सेम फॉर 50 एंड सेम फॉर 60, तो कस्टमर के दिमाग में 60,000 हैज बिकम एक नया बेस उनके मन में आ गया है, तो 60-62 के रेंज में जब रेट रहता है तो नई ज्वेलरी के लिए जो नया सोना है वही बाइंग करता है। तो रेगुलर रिसाइकल गोल्ड का मैं पैटर्न देख रहा हूँ, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा रिसाइकल गोल्ड नहीं आते। संयम, क्या राय है आपकी प्राइसिंग को लेकर,
इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो हमारे सामने है, मार्च में रेट कट की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़े अब कहें कि ग्रीन शूट्स दिखना शुरू हुए हैं, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद मार्च नहीं तो मई जून में ये कट आ सकता है। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल इस पूरी ही रेट कट की सिचुएशन को, और गोल्ड क्या आपको लगता है इस पूरे रेट कट के सिनेरियो को पूरा डिस्काउंट कर चुका है, इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगा, ओवरऑल क्या आउटलुक है प्राइसिंग को लेकर? देखिए गोल्ड रेट्स अभी जैसे 2047 डॉलर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में और 62,400 करीब एमसीएक्स है। तो अभी जैसे पहले भी फेड ने बोला था कि 5 रेट कट्स करेंगे, 5.25 डॉलर्स के फेड के रेट्स थे, परसेंटेज के रेट्स थे, वो 4% तक आने की संभावना थी। लेकिन जो भी फेड बोलता है कि जरूरी नहीं है पिछले साल जो उसने बोला ये साल वो करेगा। मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि 3 रेट कट से ऊपर नहीं होंगे, जिसके वजह से प्राइस जो है जिस लेवल से ऊपर स्पीड से जाना चाहिए था 62,400 का 63,64 तक वो नहीं गया। आने वाले मार्च के अंदर मुझे लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो 1970 टू 1980 डॉलर्स तक नीचे आ जाएगा कॉमेक्स के अंदर, और गोल्ड के अंदर भी 1,500 से 2,000 रुपए की और मंदी आएगी। अप्रैल के बाद जो रेट्स है वो वापस बढ़ना चालू हो जाएंगे। जो शादी का सीजन है, जो बाइंग है वो भी अच्छी है, 14 जनवरी से बाइंग अच्छी चालू हो गई है। 14 जनवरी तक जो श्राद्ध का टाइम था जब लोग बाइंग नहीं करते थे तभी उन्होंने बाइंग नहीं की, लेकिन जब पोंगल आ गया, मकर संक्रांति आ गया, उसके बाद अच्छी बाइंग चालू हो गई है। हैवी ज्वेलरी भी अच्छी बिक रही है, जो मिलेनियल्स है वो लाइट ज्वेलरी भी अच्छी खरीद रहे हैं। बीच बीच में जो इंटरनेशनल के सिनारियों के अंदर जियो पोलिटिकल टेंशन आती हैं उसको देखते हुए, कभी यूएस की, ईरान की, इराक की, तब ये टेंशन को देखते हुए हल्का स्पाइक बीच बीच में आता है, लेकिन ये जो बराबर तेजी का रुख है ये अप्रैल से बनेगा। अभी मार्च के अंदर एक बार मुझे लगता है कि 50 से 70 डॉलर की मंदी आ सकती है, यानी कि 1,500 रुपए तक की मंदी आ सकती है मार्च के अंदर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज स्पेशल। हमारे साथ संयम मेहरा, आशीष पेठे, कुमार जैन और चौला पटेल बनी हुई है, और गोल्ड से रिलेटेड हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, साथ ही डिमांड के किस तरीके के सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन जैन साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया रिसाइकल गोल्ड काफ़ी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे, फिलहाल जो भी बिक्री आप कर रहे हैं उसमें फिलहाल की खरीदारी का कितना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन आगे की बुकिंग्स का भी है, इन द सेंस कि क्या कंज्यूमर्स करंट प्राइस लॉक करते हुए आगे की बुकिंग्स दे रहे हैं क्या? बिल्कुल आगे की बुकिंग भी ले रहे हैं, उसका कारण है आगे 2,000 से 3,000 तक की तेजी जाएगी, जिसके कई कारण बने हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में 85 कंट्रीज का इलेक्शन है और यहाँ शादियों की भरमार है। 50, जैसे कि चौटाला ने कहा 35 से 40 लाख शादियाँ, अब पहले आर्टिकल आया था कुछ 60 लाख शादियाँ हैं, वो जून जुलाई तक शादियाँ चलेगी, इसके लिए डिमांड रहेगी, दोनों डिमांड इक्वल डिमांड रहेगी, और बड़ी आइटम में भी बड़ी बड़े बड़े सेट भी बिकेंगे और छोटी ज्वेलरी भी बाइंग है। तो हिंदुस्तान में सब जगह सबकी बाइंग हो रही है और फुल फ्लैश बाइंग हो रही है, और खरीदारी का लोग इन्वेस्टमेंट के माइंड में भी सेट होगा कि भाई सोना आगे तेज जाएगा। मेरा अंदाज से, अनुमान से 2-3 हजार तेज जाएगा, लेकिन कहीं ज्यादा तेज जाए, लोग 70,000 एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से, तेजी की वजह से लोगों की खरीदारी भरपूर हो रही है। जो सोना बाय करने के लिए आते हैं, सेट लेने के लिए आते हैं, 100 ग्राम की जगह 125-150 ग्राम लेते हैं, ऊपर का पैसा कैश दे देते हैं या चेक या ट्रांजेक्शन से बैंक पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से खरीदारी हो रही है और शादियों की फुल भरमार है, एकदम शादियां हैं, तो इसकी वजह से सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो के आते हैं। और ये भाव 60,000 का एक लेवल लोगों ने देख लिया है, अब इसके ऊपर लोग लेवल दिमाग में बिठा के रखे कि भाई ज्यादा तेज नहीं हो जाए सोना, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करी, बुकिंग भी आ रही है। जो बड़े बड़े सेट जो बड़ी बाइंग करते हैं उन बुकिंग करते हैं, 100 ग्राम सेट की बुकिंग करते हैं बड़े, और भी बड़े बड़े यहाँ पर हमारे यहाँ पे मारवाड़ी ट्रेंड है, जिसका पूरा सेट होता है, वो बड़े सेट होता है, उसके हाथ पान होते हैं, कमर का कंदोरा होता है, माथे की बिंदिया होती है, इस तरह से बड़ा सेट होता है, वो सेट करीबन 400 ग्राम के लेवल में जाता है। तो इतनी बड़ी खरीदारी हो रही है और ये हर कस्टमर बाय कर रहा है इस समय। चौला, आपने कहा कि इनफैक्ट प्रीमियम इज द न्यू ट्रेंड जो हमने पिछले 2-3 सालों में इमर्ज होते हुए देखा है, ना इसे वो प्रीमियम ज्वेलरी बल्कि प्रीमियम कपड़े, प्रीमियम कार, सबकी काफ़ी ग्रोथ आते हुए दिखी है। अब आपने कहा कि बाइंग में कोई कमी नहीं है,
प्राइसेस लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे और बढ़ जाएंगे, अभी ले लेना चाहिए। अगर हम पिछले साल से तुलना करें और अब तक जिस तरीके की बिक्री हुई है या जिस तरीके की बुकिंग्स आ रही हैं, क्या परसेंटेज ग्रोथ आप देख रही हैं अपने एक्सपीरियंस से इस वेडिंग सीजन में? आई थिंक 8-10% ग्रोथ दिख रहा है लास्ट सीजन के कंपैरिजन में इस साल दिवाली। और वाइन जो है वो लग्जरी सेक्टर में, लग्जरी गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में शिफ्ट हो रही है। जो बड़े बड़े सेट्स हैं वो भी लोग पसंद कर रहे हैं और उसकी बाइंग हो रही है। मीडियम और स्मॉल सेट्स की भी बाइंग हो रही है। पर अगर लग्जरी सेक्टर ऑफ ज्वेलरी की बात करते हैं तो लग्जरी सेक्टर में 8-10% की बढ़ोतरी देखी गई है और पीपल ऑफ इंडिया शिफ्टिंग टुवर्ड्स लग्जरी गोल्ड ज्वेलरी बाइंग। जैसे डिजाइनर कपड़े ले रहे हैं अभी सारी वेडिंग्स में, तो उसके हिसाब से ज्वेलरी सेक्टर में भी डिजाइनर वेयर ज्वेलरी, डिजाइन ज्वेलरी की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कलर्ड स्टोन ज्वेलरी, एक्सपेंसिव एमरल्ड्स, टर्मलिन्स और रूबीज लगा के पोलकी के साथ जो ज्वेलरी लग्जरी सेक्टर में केटर की जा रही है, उसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक ट्रेंड में बहुत चेंज दिख रहा है। बायर्स जो इंडिया के हैं वो ग्लोबल ट्रेंड की तरफ भी जा रहे हैं। नो लॉकर ज्वेलरी और वर्सेटिलिटी ज्वेलरी में देखने को मिल रही है और बायर्स उसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो हम भी ज्वेलरी का जो मार्केट है उसे कन्वेंशनल ज्वेलरी से हम उसे बोलेंगे कि लग्जरी ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और उसे ग्लोबल मार्केट में कैसे केटर कर सकते हैं और ये ज्वेलरी को कैसे नॉन इंडियन बायर्स को अवेलेबल कर सकते हैं, वो भी हम एक सोच हमारी ज्वेलरी की जो डिजाइनिंग है उसमें ला रहे हैं और उसमें एक्सेप्टेबिलिटी जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सो आई थिंक द ट्रेंड्स आर चेंजिंग एंड अच्छे के लिए आई थिंक ग्लोबल पेज पे इंडियन ज्वेलरी अभी फोकस कर रही है और जा रही है, ऐसे देखने को मिल रहा है। अच्छा चौला, ऑन अ लाइटर नोट, हम स्मॉल और मीडियम कंज्यूमर्स की बात करें तो वहां तो रिसाइकल गोल्ड का इस्तेमाल होता है नई ज्वेलरी खरीदारी के लिए, क्या प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट में भी लोग रिसाइकल करते हैं अपनी पुरानी ज्वेलरी? बिल्कुल, रिसाइकल ज्वेलरी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही चल रहा है और लोग रिसाइकल ज्वेलरी को भी प्रेफर कर रहे हैं, तो वो भी ट्रेंड चलेगा। पर जो बदलाव अभी ट्रेंड में देखा गया है वो यंगस्टर्स और ब्राइड्स को अगर हम फोकस करके देखते हैं तो नई ज्वेलरी का बाइंग जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिसाइकल्ड ज्वेलरी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का फोर्थ ट्रांच है, माफ कीजिए, वो 12 फरवरी से खुल रहा है और ये 16 फरवरी तक ओपन रहेगा और जो इश्यूएंस होगा वो 21 फरवरी 2024 को होगा। हालांकि आज जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता दूं, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का 2016 में जो पहला ट्रांच आया था उसने 13.5% के एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिए हैं और जो एब्सोल्यूट रिटर्न रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए वो 163% के रहे हैं। तो भले ही यहाँ पर 2.5-3% का फिक्स रिटर्न हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ने निवेशकों को पैसा बनाकर दिया है। आशीष जी, क्या राय है आपकी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हो क्या वो इसे एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकता है? यस, आई एग्री, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसको सोने में पैसा डालना है। जैसे बहुत सारे विकल्प होते हैं, फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, उसी से आई थिंक ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट। आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इफ़ यू आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और जो फाइनेंशियली लिटरेट कंज्यूमर्स है उनके लिए ही ये ज़्यादा फेवरेबल देखा गया है। लोअर डाउन द पिरामिड अभी तक लोगों ने इसको इतना फेवरेबली देखा नहीं है और इन्वेस्ट नहीं किया है, बिकॉज दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड ओनली ऑन द एक्सचेंज। ओके,
संयम, समय की कमी है, इसलिए बहुत संक्षेप में आपका कोई कमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो नया ट्रांच ओपन हो रहा है, इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट करना चाहिए, 2.5% इसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है, 12.9% 2019 से एवरी ईयर हमको मिलते आ रहा है, और 1 ग्राम तक भी से भी लिया जा सकता है, एनएससी, बीएससी, एसएच, सीएल, सीसीआईएल सबसे आप खरीद सकते हैं, और मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन है, आगे जाके टैक्स बेनिफिट मिलेगा, 8 ईयर्स का इसके अंदर लॉक इन है, 5 ईयर्स के बाद इसके अंदर आप फिर से एक्सचेंज करा सकते हैं उसके अंदर, तो मुझे लगता है अगर 12th से लेके 16th फरवरी को जितने भी इसका बाइंग की ऑप्शन आएगी, कंज्यूमर्स को इसको एसआईपी सिस्टमैटिक तरीके से बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर, और टेंजिबल गोल्ड के अंदर भी बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो ये इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, शुक्रिया हमारे सही मेहमानों का, आशीष, संयम, कुमार जैन साहब और साथी चौला शो में आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।